हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के आगे लेकर के आया हूँ डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स। ये डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स हर साल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं गवर्नमेंट के बजट में, ये तो आप जानते ही हैं। तो अभी आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो है फाइनेंस एक्ट 2018, मतलब कि बजट 2018 ने जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे आज हम उनको कवर करने वाले हैं। स्पेशली ये अमेंडमेंट्स मैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ। ऑब्वियसली ये सभी के लिए है, सभी के काम के लिए है, लेकिन प्रोफेशनल एग्ज़ाम वालों के लिए ही ये स्पेशल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो जिन जिन के एग्ज़ाम्स 2019 वाले ईयर में होने वाले हैं उन सभी के लिए ये अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं। 2019 में चाहे आप CA के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे आप CS के एग्ज़ाम्स देंगे, चाहे आप CMA के एग्ज़ाम्स देंगे, यानी एनी ऑफ द प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, मैंने यहाँ क्लियरली लिख रखा है, उन सभी के लिए ये अमेंडमेंट्स काम के होंगे। उसमें भी मैं आपको स्पेशली एक बात बोल दूँ कि ये अमेंडमेंट्स CA, CS या CMA तीनों के दोनों लेवल्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, दोनों लेवल्स इन द सेंस इंटरमीडिएट लेवल एज वेल एज फाइनल लेवल। ठीक है ये बात? तो आप इस अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे कि चाहे आप इंटरमीडिएट एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए ये अमेंडमेंट्स यूजफुल रहेंगे। इसमें मैंने डायरेक्ट टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स कवर करने की कोशिश की है। और फाइनेंस एक्ट 2018 ने कोई थोड़े से अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं अलग अलग चैप्टर्स को लेकर के। तो वो मैं आपको साथ की साथ में बताते चलूँगा कि कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड वो चेंजेस है, और मैं उसकी जहाँ तक हो सकेगी डिटेल भी आपको बताऊँगा। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि आपने ऑलरेडी इन सारे चैप्टर्स को स्टडी किया हुआ है, तो मैं आपको कोई भी टॉपिक की डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, दैट इज़ बट नेचुरल। आप यहाँ पर बैठे भी इसी उम्मीद के साथ होंगे कि मैं आपको सिर्फ जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2018 ने इंट्रोड्यूस किया था वो हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहला जो चेंज आया है वो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इस टॉपिक को लेकर के आया है। ये आपका डायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ में कनेक्टेड होता है, और आपको ध्यान होगा कि वहाँ हमको कुछ ऐसी इनकम्स बताई जाती है विच आर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और जो जो इनकम्स भी इंडिया में अक्रू होती है वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाती है फॉर ऑल काइंड ऑफ असेसीज। ये बात आपको मालूम होगी, फॉर ऑल काइंड ऑफ असेसीज, दैट मीन्स चाहे वो असेसी रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो RNOR है, सभी के लिए टैक्सेबल होंगी। उसमें सेक्शन नंबर नाइन जो कि हमको वो सारी इनकम्स बताता है जो अक्रू हो रही है इंडिया में, उसके सबसेक्शन वन के क्लॉज वन में आपको याद आ रहा होगा बिजनेस कनेक्शंस के बारे में कुछ बताया हुआ है, और उसमें ये बताया हुआ है कि जब भी कोई इनकम किसी भी पर्सन को, वो नॉन रेजिडेंट हो, और उसे कोई भी इनकम इंडिया के बिजनेस कनेक्शन से अगर होती है तो दैट विल बी टैक्सेबल फॉर हिम, दैट विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब अभी तक जो बिजनेस कनेक्शंस का कॉन्सेप्ट था वो काफी नैरो था, यानी इसके स्कोप में बहुत ही कम चीजें कवर होती थी। और मैं आपको बताऊं कम चीजें किस सेंस में, आप जरा याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा कि बिजनेस कनेक्शन में किस तरह के कनेक्शंस की बात होती है। कि मान लीजिए कोई बाहर का नॉन रेजिडेंट है और उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में कोई ब्रांचेस है, तो
तो ब्रांचेस के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू वो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन इन एनी केस उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में होना ज़रूरी था। लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने बजट में ये बात ओपन की, ये बात बोली कि आजकल बिजनेसेस जो हो रहे हैं वो डिजिटलाइज्ड बिजनेसेस हो रहे हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है, तो अब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें एक नॉन रेजिडेंट असेसी जो है वो बिना इंडिया में कोई तरह की फिजिकल प्रेजेंस के ही इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं, आपको मालूम होगा बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि बिजनेस कनेक्शंस जो टर्म है उसमें इस तरह से बिना फिजिकल प्रेजेंस के जो ट्रांजेक्शन इंडिया में किए जा रहे हैं वो कवर नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे, अब तक नहीं होते थे। देखिए यहां पर यही लिखा हुआ है कि अब तक बिजनेस कनेक्शन का जो डेफिनेशन था वो बहुत ही नैरो था, क्योंकि उसमें केवल फिजिकल प्रेजेंस के बेस पर ही नेक्सस बनाया जाता था। कोई ना कोई इंडिया में एजेंट बैठा होना चाहिए या इंडिया में आपकी ब्रांच होनी चाहिए, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। लेकिन इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स सच एज डिजिटाइज्ड बिजनेसेस, जिसके अंदर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं होती है और न ही एजेंट्स की जरूरत होती है, उनका क्या होगा? वो तो कवर्ड ही नहीं थे अब तक बिजनेस कनेक्शन के अंदर। तो जो चेंज लाया गया वो इसी मामले में लाया गया कि बिजनेस कनेक्शंस जो टर्म है उसके अंदर, बिजनेस कनेक्शंस जो टर्म है उसके अंदर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया भी कवर होगा। तो आपको जो नोटिस करनी है बात, वो ये नया टर्म आपको नोटिस करना है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। जो हमको इसके शब्दों से समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर किसी पर्सन की इंडिया में इकोनॉमिक प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है। अब इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ? कोई भी तरीके का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो और आपकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में इकोनॉमिक टर्म्स में, फिजिकली आपका होना जरूरी नहीं है, तो भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा और फिर उस ट्रांजेक्शन से आपको जो भी कमाई होगी दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब देखिए जरा नीचे हमें पढ़ने में आएगा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फॉर दिस पर्पस शैल मीन कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी गुड्स के रेस्पेक्ट में, सर्विसेज के रेस्पेक्ट में या प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। अब आप सोचिए कितना बड़ा स्कोप आ गया इस लाइन का। एनी ट्रांजेक्शन, एनी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जो कौन कर रहा है, नॉन रेजिडेंट, विच इज कैरिड ऑन बाय नॉन रेजिडेंट। कहां कर रहा है वो ट्रांजेक्शन? इंडिया में कर रहा है। और आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन अगर वो कर रहा है तो देखिए जरा लास्ट में, इफ द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। गवर्नमेंट कुछ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट बताएगी और गवर्नमेंट ने बोला आपके जो ट्रांजेक्शंस है अगर उसमें टोटल मिलाकर, एग्रीगेट मिलाकर के उतने अमाउंट से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होगा, उतने अमाउंट से ज्यादा का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगा, तो माना जाएगा वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है आपकी इंडिया में। और अगर है तो फिर जितना भी अमाउंट इंडिया से कनेक्टेड होगा, इंडिया में आपने जितना भी कमाया होगा उस प्रेजेंस की वजह से, उस ट्रांजेक्शन की वजह से, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बीच में एक बात और थी। क्या बात थी? इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा। इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शंस आप करोगे इंडिया में उसमें कौन सा ट्रांजेक्शन कवर किया गया है, कि अगर मान लो आपने बाहर बैठे बैठे इंडिया में डेटा डाउनलोड करने का सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है, जो कि होता है हम जानते हैं,
या फिर सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने का सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है इंडिया में. ऑब्वियसली फ्री में डाउनलोडिंग नहीं, पेड डाउनलोडिंग, पेड सॉफ्टवेयर्स की डाउनलोडिंग, उसी की बात यहां पर होगी. तो ऐसे में आप जो भी कमाओगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज, उसको बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा. दूसरी बात जो इसमें कवर हो रही है वो क्या है, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूअसली सॉलिसिट करते हो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को, मतलब अगर आप बाहर से, यानी नॉन रेजिडेंट हो आप, बाहर से ही आप इंडिया के अंदर आपने कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है, कंटिन्यूअसली आप लगातार, केवल एक बार नहीं, लगातार आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को सॉलिसिट कर रहे हो, इंडिया में प्रचार कर रहे हो, इस तरीके से काम कर रहे हो कि इंडिया के लोग आपसे उन एक्टिविटीज में एंगेज हो सके और आपके साथ में खरीदने का काम कर सके, आपसे वो खरीद सके कोई भी चीजें, ऐसा आपने एक सिस्टमैटिक तरीका बना रखा है. कैसे बना रखा है? थ्रू डिजिटल मींस. लास्ट में देखिएगा, थ्रू डिजिटल मींस, तो ये भी माना जाएगा आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है. इसी तरह से अगर आप एंगेज्ड हो इन इंटरेक्शन विद प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया, ठीक है ये बात, तो अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूअस तरीके से अपना कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे आप इंडिया में लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहते हो और अपने बिजनेस का प्रचार करते रहते हो, सॉलिसिटिंग करते रहते हो, तो कितने यूजर्स होने चाहिए जिनके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो, वो गवर्नमेंट खुद प्रिस्क्राइब करेगी. तो हमको अभी उसमें नहीं जाना कि कितने यूजर्स हैं, वो गवर्नमेंट के खुद के बताने की चीज है. तो अगर ऐसा होता है तो अगेन माना जाएगा आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, राइट है ये बात. तो ये दो केस हमको कवर किए गए हैं. फिर एक बात और नीचे क्लैरिटी में दे दी गई है कि अबव ट्रांजेक्शन, ये जो ऊपर हमने दो ट्रांजेक्शन देखे उनके लिए लिखा है, इनको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया माना जाएगा चाहे नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई रेजिडेंस है या नहीं. तो बात वही आ गई घूम फिर के, फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, तभी तो ये कॉन्सेप्ट नया है. सिमिलरली कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, और कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडिया में कोई तरह की सर्विसेज रेंडर करते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है. यानी इंडिया में अगर आप एक्टिवली अपनी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, कहने का मतलब है आपका कोई फिजिकल प्लेस हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इन दो ट्रांजेक्शन में कवर हो रहे हो, तो माना जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में, राइट ये बात. और ये तो मैं आपको कह ही चुका हूं कई बार, अगर SEP है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में, तो उसकी वजह से जो भी मैं कमाऊंगा वो बिजनेस कनेक्शंस की कमाई मानी जाएगी और फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा मुझे, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने पहला अमेंडमेंट कंप्लीट किया. नाउ नेक्स्ट, लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट अमेंडमेंट. जो अगला अमेंडमेंट है वो आपके सामने है सैलरीज हेड का नेक्स्ट अमेंडमेंट. देखिए, सैलरीज हेड में गवर्नमेंट ने एक एक्सचेंज ऑफर रखा था बजट 2018 के अंदर. एक्सचेंज ऑफर कैसे, गवर्नमेंट क्या एक्सचेंज करेगी और किसके साथ? गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज के साथ में एक एक्सचेंज ऑफर रखा टैक्स प्रोविजंस को लेकर के. क्या गवर्नमेंट ने बोला, हम आपको कुछ फायदा देंगे और कुछ फायदा आपसे छीन लेंगे. जो हमने आपको पहले फायदे दिए हुए थे वो तो छीन लेंगे और आपको कुछ नया फायदा देंगे. तो हम बोलेंगे कि फिर मतलब क्या निकला. तो बात तो सही है, अभी हम इसको समझेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि कोई मतलब निकला या नहीं निकला. देखते हैं. देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने एक चीज लाकर दी वो तो हम यहां पढ़ेंगे, ये तो गवर्नमेंट का दिया हुआ बेनिफिट होगा हमारा. और जो गवर्नमेंट ने दो चीजें छीनी वो आपको यहां नजर आएंगी. देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा सेक्शन 16 सैलरीज हेड, जो कि हमें
डिडक्शंस के बारे में बताता है कि सैलरीज हेड में आपको ग्रॉस सैलरी में से क्या क्या डिडक्शंस मिलेंगे। तो उसमें दो डिडक्शंस ऑलरेडी थे, आपको ध्यान होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। अभी एक और थर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, थर्ड डिडक्शन जिसका एक नया क्लॉज बनाया गया, क्लॉज 1A। ठीक है, तो सेक्शन 16 में क्लॉज 1A, द न्यू क्लॉज, दिस इज द न्यू क्लॉज। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दिया करेंगे ₹40,000 का। ठीक है, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको कोई शर्त पूरी नहीं करनी। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ग्रॉस सैलरी हमारी निकल के आई उसमें से हमें 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर ही देना है विदाउट एनी कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है इसकी, कोई लिमिट भी नहीं है। 40,000 मतलब 40,000, न कम न ज्यादा। ठीक है, तभी इसको स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारी ग्रॉस सैलरी ही 30,000 है तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का कैसे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, जितनी हमारी ग्रॉस सैलरी होगी या 40,000 रुपए, विच एवर इज लेस, इतने रुपए का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट ने हमें फायदा दिया। तो एक एम्प्लॉई के लिए पॉजिटिव पॉइंट आया कि हमारे 40,000 की सैलरी पे टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने दो चीजें हमसे छीन भी ली है। देखते हैं सबसे पहली चीज वो क्या है। सबसे पहली चीज जो ऑमिट हो चुकी है वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्लॉज नंबर 8। अब अगर आपको ये क्लॉज याद है अच्छे से तो आपको ध्यान आएगा कि ये मेडिकल फैसिलिटीज का क्लॉज होता था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था, ये एक परक्विजिट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह में अगर आपने अपना इलाज करवाया और एम्प्लॉयर ने आपको उसका रीइंबर्समेंट दे दिया सारे मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो उस रीइंबर्समेंट पे आपको टैक्स तो देना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ परक्विजिट। लेकिन 15,000 रुपए तक आपको छूट मिल जाएगी, यानी 15,000 रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अब उस एग्जेम्प्शन को छीन लिया, यानी डिसअलाउ कर दिया, अब वो एग्जेम्प्शन आपको नहीं मिलेगा। यानी मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में करवाया तो आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, एक रुपए की भी नहीं मिलेगी, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अब से। ठीक है, दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने हमसे बेनिफिट छीन लिया वो क्या, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। याद होगा आपको, ये वो अलाउंस है जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए एम्प्लॉयर देता है। अगर ऐसा कोई अलाउंस एक एम्प्लॉय को मिलता है तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स दे रखा, सॉरी एग्जेम्पशन दे रखा था, कितने रुपए का, 1600 रुपीज पर मंथ, इतने रुपए तक वो एग्जेम्प्टेड था। अब ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अब से ये एग्जेम्पशन नहीं मिला करेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, एक बात और मैं आपको यहां पर याद दिला दूं कि ये 1600 वाला अमाउंट 3200 पर मंथ हो जाता है अगर एम्प्लॉई हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड है। आपको याद आ रहा होगा, जो भी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनके केस में 1600 की जगह एग्जेम्पशन का अमाउंट 3200 पर मंथ हुआ करता था। ठीक है, क्या वो 3200 वाला एग्जेम्पशन भी छीन लिया गया है उन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज से? क्या जवाब है, बिल्कुल नहीं छीना गया है, उनका एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं किया गया है। मैं यहां साफ लिख देता हूं, इट हैज नॉट बीन विड्रॉन, ये विड्रॉ नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट विड्रॉन, ये याद रखना है आपको। यानी केवल जो चीज विड्रॉ हुई है वो 1600 पर मंथ वाला एग्जेम्पशन विड्रॉ हुआ है, विच इज इन केस ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉयज, नॉट इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड वंस। वो तो अभी भी चलेगा। अब हम बोलेंगे कि फिर गवर्नमेंट ने कुल मिला के हमसे दो चीजें तो छीन ली,
और केवल 40,000 रुपये का हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर खुश कर दिया, तो बात तो गलत है। या हम बोले कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है, फिर सेंस क्या निकला? देखिए, मैं इसके लिए आपको ये बोलूँगा कि जो पेंशनर्स हैं उनको इस चीज़ में ज़रूर फ़ायदा हुआ है, जिन जिन को ये दो बेनिफिट्स अब तक नहीं मिलते थे, जिन जिन को एम्प्लॉयर की तरफ से, भाई पेंशनर्स है तो उनको तो इस तरह का कोई अलाउंस या परक्विजिट नहीं मिलता है ना अब, वो तो जॉब छोड़ चुके हैं, वो तो केवल पेंशन कमाते हैं। तो उन वो लोग जब सैलरी हेड की रिटर्न भरेंगे तो उनके लिए ये डिडक्शन बहुत काम का रहेगा, पहली बात। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चेंज है। और दूसरी बात, जो पेंशनर नहीं भी है, जो करंट एम्प्लॉयज है, वो भी अगर उन्हें कोई तरह का मेडिकल परक्विजिट नहीं मिल रहा या ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिल रहा, तो उनसे वो चीज़ छीनी भी नहीं है, तो उनको भी इस 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है, यानी उनको एक एक्स्ट्रा फायदा फील होगा, ठीक है। बाकी हाँ, जिनको पहले ये दोनों तरह के फायदे मिलते थे उनको तो ये फील होगा कि यार दो फायदे तो हमसे छीन लिए और एक हमें दे दिया, तो क्या बड़ी बात हुई। तो ये मैंने आपसे इसकी थोड़ी डिटेल की बातें भी डिस्कस कर ली। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। और सैलरीज हेड के जो डिडक्शंस थे वो यहीं पे पूरे हो गए हैं, मतलब जो डिडक्शंस, सॉरी अमेंडमेंट्स, तीन ही अमेंडमेंट्स आए थे, तीनों मैंने आपको यहाँ पर लिंक करके बता दिए। और आगे चलते हैं। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं पीजीबीपी हेड के चेंजेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पीजीबीपी हेड में सेक्शन 28 याद आ गया होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। किस बात का? चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी हेड का। और इस सेक्शन 28 में बहुत सारी इनकम्स के नाम बताए हुए होते हैं, एक लिस्ट होती है लंबी, बोला जाता है इस तरह से अगर आपने कुछ कमाया दैट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी हेड, इस तरह कमाया वो भी टैक्सेबल होगा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। और उसके अंदर एक आइटम होता है कंपनसेशन रिसीव्ड। अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, और आपको याद होगा उसके अंदर तीन चार पॉइंट्स आते हैं, कंपनसेशन किस बात का मिला है, कि अगर आपका कोई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कंपनी के साथ, या कोई तरह का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया बीच में ही, या वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया, तो ऐसे टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन पर आपको जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होता था सेक्शन 28 के अंदर, ठीक है। उसमें जिस तरह के कंपनसेशन की बात थी वो कैपिटल नेचर के कंपनसेशंस की बात थी, कैपिटल नेचर के कंपनसेशंस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट ने अभी बजट 2018 बताते समय ये लॉजिक दिया कि देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनसेशंस हैं जो हमें बिजनेस के कोर्स में मिलते हैं, बहुत तरह के कंपनसेशंस हैं जो अब तक कवर नहीं हो रहे थे, उन पे किसी तरह का टैक्स नहीं लग रहा था क्योंकि वो कंपनसेशंस इन तीन चार पॉइंट्स में कवर ही नहीं होते थे, तो उन पे गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लगा पाती थी। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में भी कुछ कंपनसेशंस ऐसे होते थे जो कवर नहीं हो पाते थे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में। अब गवर्नमेंट को उन्हें कवर करना था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो सेक्शन 28 उसको चेंज किया, और दूसरा अदर सोर्स हेड में सेक्शन 56 में भी अमेंडमेंट किया, और इन दोनों में इंसर्ट कर दिया एक एक पॉइंट। वो क्या पॉइंट था कि आपको अगर कोई भी कंपनसेशन मिलता है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला, कोई इस तरह का हमको इंडिकेशन नहीं दिया कि केवल कैपिटल नेचर के कंपनसेशंस, नहीं, एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन इफ यू रिसीव, तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है।
ये बात सेक्शन 28 में भी डाल दी और 56 में भी डाल दी। हम देखते हैं अभी कैसे, दोनों में क्या छोटा सा एक अंतर है। देखिए सबसे पहले मैं सेक्शन 28 आपके सामने ला रहा हूं, इसमें क्लॉज नंबर 2 कंपनसेशंस को कवर करता था। ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि सेक्शंस किस तरीके से थे अब तक। तो सेक्शन 28 का क्लॉज 2, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, इसमें 4 पॉइंट्स ऑलरेडी थे। अभी पांचवा पॉइंट गवर्नमेंट ने नया इंसर्ट किया है। क्या लिखा है उसमें, एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो उस बात का आपको जो भी कंपनसेशन मिलेगा उस पे आपको पीजीबीपी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। शर्त क्या है, पीजीबीपी हेड में आने की शर्त क्या है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू हिज बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन पे कंपनसेशन मिला, राइट बात है। अब मैं आपको बताता हूं सिमिलर नेचर पर, सिमिलर लाइंस पर सेक्शन 56 में क्या चेंज आया है। सेक्शन 56 किस बात का है, याद होगा आपको सेक्शन 56 अदर सोर्सेज हेड का चार्जिंग सेक्शन, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन। देखिए जरा वहां पर भी कुछ इसी तरह का इंसर्शन किया गया है। सबसेक्शन 2, सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2, उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इनकम्स चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड IFOS अदर सोर्सेज, कौन कौन सी, उनमें 1 to 10 पॉइंट्स को अभी आप छोड़ दीजिए, 1 to 10 क्लॉजेस को, एक 11th क्लॉज नया इंट्रोड्यूस किया गया है, पढ़ लेते जरा उसको। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट, देखिएगा जरा लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। देख लीजिए जरा यहां पे आ गया अंतर, इन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड देयर टू, यानी बात वही हो रही है, टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होने पर आपको कंपनसेशन मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात वो क्या चीज टर्मिनेट या मॉडिफाई हो रही है, आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर टर्मिनेशन आ रहा है या मॉडिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो अंतर क्या आया, एक है बिजनेस से रिलेटेड टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन, दोनों को गवर्नमेंट ने अपने अपने जगह पे कवर कर दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी पीजीबीपी हेड का एक नेक्स्ट अमेंडमेंट हम देखने वाले हैं, सेक्शन 44AE, याद होगा आपको प्रिजम्प्टिव इनकम और प्रिजम्प्टिव इनकम किन की जो जो असेसीज एंगेज है इन प्लाइंग लीजिंग हायरिंग ऑफ बताइए क्या, गुड्स कैरेजेस, उनको इसमें कवर किया जाता था। आपको शायद पूरा प्रोविजन याद आ गया होगा, पूरा रिकॉल हो गया होगा, उनको ये बोला जाता था, उन बिजनेसमैन को बोला जाता था कि अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन मतलब नॉट हैविंग मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, केवल 10 मैक्सिमम आपके पास गुड्स कैरेजेस थे पूरे साल में कोई भी समय, तो हम आपके लिए प्रिजम्प्टिव इनकम का एक सिस्टम बना रहे हैं। वो प्रिजम्प्टिव इनकम का सिस्टम क्या था, जितनी भी गाड़ियां आपके पास हैं, गुड्स कैरेजेस हैं, हर गुड्स कैरेज पर 7500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पर गुड्स कैरेज, इंपॉर्टेंट बात है, हर कैरेज पर, हर गाड़ी पर 7500 रुपए महीना हम मानेंगे कि आप कमा रहे हो, तो दैट विल बी योर प्रिजम्प्टिव इनकम, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो प्रोविजन था, इट वाज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल क्लासेस ऑफ गुड्स कैरेजेस, यूनिफॉर्मली
मतलब चाहे हैवी ट्रक्स हो, हैवी गाड़ियां हो, हैवी गुड्स कैरेजेस हो, चाहे लाइट वेट गुड्स कैरेजेस हो, सब पर ये प्रोविजन सिमिलरली एप्लीकेबल था। यानी सबके लिए यही सिस्टम था कि 7500 रुपीस पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल होगा। अब आप सोचिए कि अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरे पास में मैक्सिमम 10 तक की ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो 10 तक की जो गाड़ियाँ मेरे पास मैक्सिमम है वो सारी बड़ी बड़ी है, सारे हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं, तो भी मेरे लिए उतनी ही इनकम मानी जा रही है। और जो लाइट गुड्स व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं बिजनेसमैन, उनके लिए भी उतनी ही मानी जा रही है। तो ये तो इक्विटी ही नहीं हुई, ये तो इक्वलाइजेशन ही नहीं हुआ, अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। किसी से उतने पे ही आप कम टैक्स ले रहे हो, किसी से उतनी इनकम पे आप ज़्यादा टैक्स ले रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने चेंज किया। गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, अब से जो भी हैवी गुड्स व्हीकल्स होंगे, जो भी हैवी गुड्स व्हीकल्स होंगे, उनके केस में कैलकुलेशन अलग ढंग से चलेगी। कैसे चलेगी देखते हैं। लिखा है हैवी गुड्स व्हीकल्स, और हैवी गुड्स व्हीकल्स की डेफिनेशन क्या है, देखिए जरा डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें बताई हुई है जिनका जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट 12 मैट्रिक टन से ज्यादा हो, 12 मैट्रिक टन से ज्यादा हो। तो 12 मैट्रिक टन से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 12 मैट्रिक टन, एक टन का मतलब होता है एक मैट्रिक टन, जिसको हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक टन, टन की अगर टी ओ एन हम स्पेलिंग रखे तो मैट्रिक टन को हम टन भी कह सकते हैं सिंपली, वहां पे बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों एक ही बात है। और एक मैट्रिक टन या टन किसके बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे गुड्स व्हीकल का जो वेट है, ग्रॉस वेट वो 12,000 केजी से ज़्यादा का है, तो हमारे केस में जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी अलग ढंग से होगी। कैसे होगी, बोला है 1,000 रुपीस पर टन, 1,000 रुपीस पर टन। तो इसको मैं थोड़ा आपको पहले सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूँ तो मैं बोलूँगा 1,000 रुपये पर टन, तो हमको 1,000 रुपये को मल्टीप्लाई किससे करना है, कितने टन हमारा उसका ग्रॉस वेट है, फिर और किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर ऑफ मंथ्स हमने उस व्हीकल को ऑपरेट किया हमारे पास वो रहा, मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कितने व्हीकल्स रहे, नंबर ऑफ गुड्स कैरेजेस, ठीक है। ये पूरी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, चार चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से इसका सिस्टम चलने वाला है। तो 1000 रुपीस पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, एक ही बात है, ग्रॉस व्हीकल वेट या अनलेडन वेट, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, वो तो बात पहले भी थी, हमेशा होती है, फॉर ईच गुड्स व्हीकल, हर एक पर, ठीक है। तो हमारा जो प्रिजम्प्टिव इनकम होगा वो ये होगा, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ये किन के लिए है, केवल हैवी गुड्स व्हीकल्स के लिए। और जो लाइट गुड्स व्हीकल्स है, जो अदर्स है, यानी जिनके अंदर जो वेट है वो 12 मैट्रिक टन तक का है, लेस देन और इक्वल टू 12 मैट्रिक टन, तो उन पे सेम प्रोविजन अभी भी एप्लीकेबल है। क्या, 7500 रुपीज पर मंथ फॉर ईच गुड्स व्हीकल। यानी अब तक क्या था, अब तक था 7500 पर मंथ, यानी हमको उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मंथ्स के साथ, और फिर फर्दर उसे मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ गुड्स कैरेजेस के साथ, ऐसे कितने हमारे पास कैरेजेस पड़े हैं, राइट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो पुराना सिस्टम था, जो अभी भी हमारे लाइट व्हीकल्स पे लगेगा, उसमें ये जो टन्स वाली बात है वो मिसिंग है, कि कितने टन का व्हीकल है, इस बात को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, सीधे सीधे 7500, ठीक है। तो चलिए, ये अभी बात पूरी हो गई है, ये सेक्शन 44 AE था।
आगे देखते हैं. नेक्स्ट सेक्शन 28 एंड अदर्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं, हम देखने वाले हैं अभी उनको. तो देखते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. देखिए अभी तक क्या सिस्टम होता था आपको याद करना पड़ेगा. कैपिटल गेन्स हेड, कैपिटल गेन्स हेड में ये होता था कि अगर एक पर्सन ने अपने किसी भी कैपिटल सेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में. तो कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या माना जाता था, ट्रांसफर. और इसको ट्रांसफर मानते हुए इस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी. टैक्स कैसे लगाती थी, गवर्नमेंट बोलती थी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन वाले दिन आपको अपने इस कैपिटल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू देखनी होगी. जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो ही उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी. राइट बात है. और उस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप माइनस कर दो उस कैपिटल असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, तो आ जाएगा आपका कैपिटल गेन जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन ये तो मैंने कुछ नई बात नहीं बोली, ये तो पुरानी बात है. लेकिन वॉट इफ ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाए, ठीक ऑपोजिट हो जाए. ऑपोजिट कैसे, कि हमने अपने स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल असेट में, फिर क्या होगा. तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला केस कहीं भी डिस्कस नहीं हो रखा है. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है. गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी ये नया चेंज लाया कि इफ दिस इज द केस, अगर स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल असेट के अंदर, तो उस कन्वर्जन पर भी हम टैक्स लेंगे. अब नेचुरली कौन से हेड में टैक्स लगेगा, यहां टैक्स लगने वाला है पीजीबीपी हेड में. कैपिटल गेन में कैसे लग सकता है, क्योंकि हम कोई कैपिटल असेट को तो ट्रांसफर कर नहीं रहे ना, इस बार तो हम स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हैं. ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, जस्ट उसका नेचर चेंज कर रहे हैं कैपिटल असेट के अंदर. तो गवर्नमेंट ने बोला इस कन्वर्जन को हम टैक्सेबल कर देंगे पीजीबीपी हेड में. बाकी बातें काफी कुछ सेम लगेगी आपको. कन्वर्जन वाले दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ही मान ली जाएगी इस स्टॉक की सेल वैल्यू, इसी को हम सेल वैल्यू मान लेंगे, ठीक है. और भी इससे रिलेटेड और कई बातें. अच्छा एक बात और, चलिए जब हमने कन्वर्जन किया तब तो टैक्स लग गया. कैसे लगा, हमने उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देख ली कन्वर्जन वाले दिन की. मान लेते हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 150 रुपीज़ है, उसमें से हमने इस स्टॉक की कॉस्ट भी माइनस कर दी 100 रुपीज़, 50 रुपए पे गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया पीजीबीपी हेड में, ठीक है, ओके. अब बाद में, अब जबकि हम इस कैपिटल असेट को ले चुके हैं, यानी इसको कन्वर्ट कर चुके कैपिटल असेट में, अब कभी हम इसे बेचेंगे या ट्रांसफर करेंगे तब क्या होगा, बताइए तब क्या होगा. तब सारा ट्रीटमेंट कौन से हेड में जाएगा, कैपिटल गेन्स हेड में. और जब वो कैपिटल गेन्स हेड में जाएगा तो मान लीजिए मैंने इसको ट्रांसफर करके रिसीव किए 200 रुपए, बताइए अगर मेरे को कंसिडरेशन 200 रुपए मिला तो कैसे ट्रीटमेंट होगा. एफवीओसी कितनी मानी जाएगी इस कैपिटल असेट की, 200 रुपए, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसफर करके 200 रुपीज रिसीव किए, मतलब कमाए. उस एफवीओसी 200 में से माइनस क्या करेंगे हम, इसकी कॉस्ट कितनी ले, बताइए इसकी कॉस्ट कितनी ले, क्या जवाब है इसका. तो गवर्नमेंट ने बोला इसकी कॉस्ट क्या माननी पड़ेगी आपको, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने ली थी 150 रुपीज, यही यहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, ठीक है. तो दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे करके जो आएगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन. राइट बात है. तो ये यहां पर हमको समझाया गया है, क्लियर. चलिए और भी कुछ बातें हैं वो पढ़ लेंगे हम. ये सब अगर आप देखेंगे तो इसमें यही सब बातें लिखी हुई है, मैं इन सबको रीड नहीं कर रहा हूं. अभी हम आगे चलते हैं, जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूं सेक्शन 28 और अदर्स में. ये तो पुराने प्रोविजंस के फ्लॉज लिखे हुए हैं यहां पर, अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूं
देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 28 में जो चेंज आया वो ये कि एक नया क्लॉज लाया गया 6A, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ योर स्टॉक, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट, यानी कन्वर्जन वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी सेक्शन 28 में। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर उसी से रिलेटेड जो चेंज लाए गए वो सेक्शन 224 में लाए गए। वो क्या चेंजेस थे? 224 आपको याद होगा वो इनकम शब्द को डिफाइन करता है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 24 डिफाइंस द टर्म इनकम। तो उसमें एक एडिशन किया गया कि इनकम शब्द में अब से फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को भी इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इसको भी इनकम माना जाएगा। तो ये बात वहां भी डाल दी जिससे कि सेक्शन 28 की बात सपोर्ट हो जाए। अच्छा, फिर सेक्शन 49 में क्या चेंज लाया गया? सेक्शन 49 किस चीज का? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। उसमें क्या बोला गया, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे बाद में, तो उस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी जिस फेयर मार्केट वैल्यू का आपने ऊपर पीजीबीपी में टैक्सेबल किया था, उसी को यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 242A में क्या चेंज लाया गया? ये किस बात का सेक्शन है? पीरियड ऑफ होल्डिंग का। इसमें ये बोला गया कि उस कैपिटल असेट का जिसको आपने अभी कन्वर्ट किया था और अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से गिना जाएगा? कन्वर्जन वाली डेट से। तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारा कैपिटल असेट है वो कैपिटल असेट के फॉर्म में आया किस दिन था? जिस दिन कन्वर्जन हुआ था। तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वही से गिना जाएगा, न कि स्टॉक की ओरिजिनल लाइफ से, ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से, वहां से नहीं गिना जाएगा। रादर इट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, राइट? तो ये सारे रेलिवेंट चेंजेस लाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पहले चल रहे हैं एक अदर टॉपिक पर, एक अदरवाइज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, फिर उससे हम कनेक्ट करेंगे हमारे पीजीबीपी हेड के कुछ अदर प्रोविजंस को, कुछ नए अमेंडमेंट्स को। तो जो मैं आपके सामने अभी टॉपिक ला रहा हूं वो आपने देख लिया होगा, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ICDS। ये ICDS क्या चीज है, हो सकता है आपको ऑलरेडी मालूम हो। मैं आपको जस्ट एक अपनी तरफ से थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसका दे देता हूं। ये ICDS बेसिकली है क्या? ये टैक्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टैक्स। बड़ी अजीब बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम ही है अकाउंटिंग और ये है टैक्स के। बड़ी अजीब बात, टैक्स वाले कब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालने लग गए? वो टैक्स का काम करते हैं या अकाउंटिंग का काम करते हैं? बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती है। तो देखिए, आपको मालूम हो कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताए हुए हैं और वो ये कहते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऐसा कहती है, गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि ये स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने होंगे जब आप इनकम निकालेंगे इनकम टैक्स के पर्पज से। जब आप इनकम टैक्स के पर्पस से इनकम कैलकुलेट करेंगे, और वो भी केवल दो हेड्स के लिए, केवल दो हेड्स के लिए, पीजीबीपी हेड के लिए और अदर सोर्सेज हेड के लिए, जब आप इनके लिए अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाकी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग करते समय लगेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे उस समय अकाउंटिंग करते समय ये स्टैंडर्ड्स का कोई यूज नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। उनके लिए तो हमारे जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बस वो ही लागू होंगे। ठीक बात है। तो यहां क्या चीज अप्लाई होगी? यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां मैं बात कर रहा हूं उन स्टैंडर्ड्स की विच विल बी एप्लीकेबल ओनली वाइल कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी हेड एंड अंडर अदर सोर्सेज हेड, राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक्चुअली मैं इनको अब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, अब मैं इनको ICDS ही बोलूंगा, जो इनका एक्चुअल नेम है ICDS। ये जो है अब तक कुल मिला के 10 नोटिफाई किए गए हैं। ये नोटिफाई किए गए थे 31st मार्च 2015 को।
और ये अप्लाई कब से हुए थे, ये अप्लाई हुए थे फाइनेंशियल ईयर 16-17 से करने थे, ये जिसको हम टैक्स की भाषा में बोले प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए जो कैलकुलेशन चलेंगी वो सारी इनके बेस पर चलेंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था और तब से लेके ये ICDS एप्लीकेबल हो चुके हैं। एक और बात, ये जो ICDS है ये बेसिकली हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लिए गए हैं अलग अलग, जैसे AS1 जो अकाउंटिंग पॉलिसीज का, सेम आप मान लीजिए वो ही हमारा ICDS-1 है। इसी तरह से जो AS2 है, AS2 वो सेम ICDS-2 बन के आ गया है। इसी तरह से जो AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का लेकर के, वो सेम ICDS-3 है। ठीक है, अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ सेम है तो फिर मतलब क्या निकला अलग से निकालने का, देखिए 100% सेम नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है 95% वही ICDS के अंदर भी लिखी हुई है बातें, कुछ बातें उनसे डिफरेंट है, तो इसलिए ये ICDS अलग से बहुत डिटेल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये ICDS एप्लीकेबल किन पे होते हैं, सारे एसएससीज पे होते हैं, बस छोटे एसएससीज को छोड़ के। और छोटे की डेफिनेशन क्या है, छोटे एसएससीज का मतलब मेरा ये है कि वो एसएससीज जो इंडिविजुअल है या HUF है और जिन पर टैक्स ऑडिट कवर नहीं होती है, उनको मैं कह रहा हूँ वो छोटे एसएससीज है, उन पर ICDS अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पर होगा। और बाकी सब पर भी किन पर होगा, जो जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं उन सभी को ये ICDS को फॉलो करना पड़ता है फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर PGBP हेड और अदर सोर्सेज हेड। ठीक है, एक बात और आपको जो ध्यान रख लेनी है वो है सेक्शन 145(2) है इनके लिए, यानी सेक्शन 145(2) में ऐसा लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ICDS नोटिफाई करने की। ठीक है, यानी कि वही सेक्शन गवर्नमेंट को पावर देता है। चलिए, अब ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अमेंडमेंट आया है वो क्या है और वो अमेंडमेंट्स आए क्यों हैं। पहले हम देखते हैं वो क्यों आए हैं। देखिए, कारण ये है क्योंकि जो हमारे करंट प्रोविजन्स थे इनकम टैक्स के, जो हमारे करंट प्रोविजन्स थे वो ICDS से मैच नहीं खा रहे थे। ठीक है, ICDS में जो उन स्टैंडर्ड्स में बातें लिखी हुई थी उनसे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, सिस्टम ये होता है कि अगर ICDS में कॉन्ट्ररी बातें हैं तो एक्ट विल प्रिवेल, इनकम टैक्स एक्ट प्रिवेल करता है। अब आप बताइए, गवर्नमेंट ने ICDS में कुछ बातें लिखी हुई है, एक्ट में उसकी उल्टी बातें लिखी हुई है, तो एक्ट अप्लाई होगा। सही बात है, एक्ट ही अप्लाई होगा, तो फिर ICDS लाने का मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं ना गवर्नमेंट का। ICDS में जो बात लिखी है उसका तो गवर्नमेंट का मकसद ही अधूरा रह गया, कोई सेंस ही नहीं निकला। तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये जो ऊपर आपको केस का नाम दिख रहा है, उस केस में ऐसा बोला कि सर्टेन प्रोविजंस ऑफ ICDS आर अगेंस्ट द एक्ट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये अगर एक्ट के अगेंस्ट में है तो क्यों ना हम एक्ट को ही बदल दे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। तो आप समझ गए होंगे क्यों इंट्रोड्यूस किए, ICDS के साथ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। देखिए जरा क्या क्या नए चेंजेस लाए गए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ICDS के साथ इन लाइन आने के लिए। एक सेक्शन 36 में चेंज किया गया, 40A में किया गया, 43AA, ये सारे नए इंसर्शंस किए गए हैं। एक नया सेक्शन 43CB लाया गया, 145A, 145B, ये सारे नए इंसर्शंस हैं, नए सेक्शंस हैं, हम अभी इन एक एक को देखने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 36 में क्या चीज नई लाई गई जरा देखते हैं हम। सेक्शन 36 याद करिए आप, अदर डिडक्शंस, जिसमें बहुत सारे डिडक्शंस की लिस्ट थी, उसका सबसेक्शन 1 जो कहता है द डिडक्शंस प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी अलाउड, ये डिडक्शंस आपको मिलेंगे जब आप सेक्शन 28 में इनकम कंप्यूट करोगे। और अब तक सेक्शन 36 में क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 17 तक के क्लॉजेस थे, एक नया क्लॉज लाया गया
क्लॉज 18 क्या लिखा है उसमें, मार्क्ड टू मार्केट लॉसेस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आईसीडीएस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 145(2) वो डिडक्टिबल होगा, वो डिडक्टिबल होगा, यही बात है ना। अच्छा है क्या ये चीज, व्हाट इज मार्क टू मार्केट लॉस, किसकी बात हो रही है ये? तो देखिए मैं आपको बताता हूं जरा। देखिए एक मार्क्ड टू मार्केट अकाउंटिंग करने का तरीका होता है, इसको मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का एक तरीका माना जाता है। ये अकाउंटिंग का एक तरीका है। नॉर्मली अकाउंट्स में क्या होता है, मान लीजिए मेरी कोई चीज बिकी ही नहीं अभी, तो मैं कह सकता हूं क्या कि यार लॉस हो गया इसमें, बिना बेचे कैसे लॉस। लेकिन मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग जो है वो ये कहता है कि इन केस ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये अकाउंटिंग केवल फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर लगती है, जैसे अगर आपने कोई कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, डिबेंचर्स में इशू कर इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर ये अकाउंटिंग लगती है। और इसका ये कहना है कि अगर मान लो आपने कोई शेयर खरीदे हैं, जब आपने खरीदे थे वो 100 रुपये पर शेयर के भाव से खरीदे थे, और आज उनकी मार्केट वैल्यू कम होके केवल 80 रुपीज रह गई, आज के दिन 80 रुपीज, नो डाउट अभी आपने उन शेयर्स को बेचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस 20 रुपए के लॉस को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मार्केट वैल्यू पर अपनी वैल्यू ला दी, और जब 100 रुपए की वैल्यू को मैं अपनी मार्केट वैल्यू पे ले आऊंगा, आज की वैल्यू पे ले आऊंगा, तो मुझे 20 रुपीज का लॉस नजर आएगा। ये जो अनरियलाइज्ड लॉस है, जो मुझे वास्तव में नहीं हुआ है, मैं केवल इसकी अकाउंटिंग करूंगा, इस लॉस को कहा जाता है मार्क टू मार्केट लॉस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहां यह बोला जा रहा है कि अगर ये मार्क टू मार्केट लॉस आपने निकाला है, कैलकुलेट किया है, आईसीडीएस के अकॉर्डिंग लिखा है साफ, इन अकॉर्डेंस विद आईसीडीएस, अब इसके बारे में आईसीडीएस के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, अपन उन सब में नहीं जाने वाले अभी, तो अगर आईसीडीएस के अकॉर्डिंग आपने एमटीएम लॉसेस निकाले, और मैं बता दूं आईसीडीएस में कुछ ही स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स है, कुछ ही स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके केस में आपको एमटीएम लॉसेस निकालने होंगे, कुछ ही तरह के लॉसेस हैं जो आपको रिकॉर्ड करने होंगे, वो ही हमको यहां पर अलाउड है। तो जो आईसीडीएस में परमिटेड है, अगर वो आपने लॉसेस रिकॉर्ड किए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 36 कहता है हम इनकम टैक्स में भी उस लॉस का आपको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। ये चेंज आया है। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंट और क्या क्या चेंजेस हैं? इसका कॉन्सिक्वेंट चेंज आया सेक्शन 40A में। सेक्शन 40A जो डिसअलाउंसेस का है, उसमें एक सबसेक्शन 13 इंसर्ट किया गया, जिसमें क्या लिखा कि एमटीएम लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस 36(1)(18) के अलावा वाले जो हैं, अब आप बताइए 36(1)(18) के अलावा कौन से बचे जो परमिटेड नहीं है अंडर आईसीडीएस। मैं आपको बता चुका हूं, पीछे हमने पढ़ा था आईसीडीएस के अकॉर्डिंग करना है, यानी उसमें जो परमिटेड है उन्हीं को आपको रिकॉर्ड करना है, तो यहां कहा जा रहा है उनके अलावा जो एमटीएम लॉसेस है दे विल बी डिसअलाउड, उनका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, और अब कुछ चेंज देखते हैं, हम देखते हैं अब ये नया हमको चेंज दिख रहा है, एक नया सेक्शन 43CB इंसर्ट किया गया। इस नए सेक्शन 43CB में हमको दो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात बताई जा रही है, टू मेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्कस्ड, देखते हैं वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं। एक है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। बोला गया अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया, या आप कोई भी सर्विस सेक्टर में है, कोई आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे होने वाला बिजनेस सॉरी उससे होने वाला प्रॉफिट या गेन कैसे निकाला जाएगा, उसका तरीका बताया है, वो निकलेगा ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस, ठीक है।
मतलब जितना काम कंप्लीट हो गया, जितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया, उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या गेन निकालना पड़ेगा और उस पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग, और ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है इसकी डिटेल उसमें हम नहीं जाने वाले हैं, वो सब डिटेल ICDS में बताई गई है, ठीक है। जो सेक्शन है उसमें क्या लिखा है हम बस उतना सा देख रहे हैं। तो इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस मेथड को रिकमेंड किया जा रहा है, दोनों ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, वो क्या कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें से कुछ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक अलग मेथड बताया गया है। वैसे तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या बोला, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड विल बी एप्लीकेबल, लेकिन कुछ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ और बताया है। जरा चेक करते हैं क्या, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन ड्यूरेशन 90 दिन से ज्यादा का नहीं है, यानी वो लंबे चलने वाले सर्विसेज नहीं है, उनके केस में लगाना है आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड तो एक जनरल टर्म बोल दिया, बाकी अभी हमको स्पेसिफिकली उसमें बताया गया कि अगर ड्यूरेशन 90 दिन से ज्यादा नहीं है तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड आपको लगाना होगा। एक और केस, सेकंड केस, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व करता है, मतलब आपने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में, 2 साल में, 1 साल में सर्विसेज में इतने नंबर ऑफ एक्ट्स होंगे, इतने नंबर ऑफ नहीं कितने भी हो सकते हैं, कहने का मतलब इनडिटर्मिनेट, कितनी बार भी आपको वो काम करना पड़ सकता है उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो फिक्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन क्या फिक्स नहीं है, आप कितनी बार वो काम करेंगे, कितनी बार भी सामने वाला आपसे करवा सकता है। तो वहां फिर एप्लीकेबल होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या गेन निकालना होगा। ये नया सेक्शन डाला गया, और आगे चलते हैं। फिर एक और नया सेक्शन है, सेक्शन 145A, न्यू सेक्शन इंसर्टेड। उसमें कुछ छोटे 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 पॉइंट्स बताए गए हैं। बोला कि जब आप PGBP हेड की इनकम निकालोगे, जब आप PGBP हेड की इनकम निकालोगे तो वो निकालते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, और ये जो बातें हैं वो मेनली इन्वेंट्री से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो ICDS इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ICDS 2, वो लगेगा मेनली, ठीक है, नॉट इन ऑल केसेस। चेक करते हैं हम, इसमें बताया है कि जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करोगे तो उसका तरीका आपको रखना है लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। और ये सब आपको निकालना किस तरीके से होगा, ICDS में जो तरीका बताया गया है उस अकॉर्डिंग निकलेगा। तो सिंपल सी बात बोली, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द रूल एक्चुअल कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लेस। दूसरी बात बोली गई कि जब भी आप परचेज या सेल का वैल्यूएशन करोगे, आपने कुछ नया माल खरीदा उसका आपको वैल्यूएशन करना है, पुराना माल बेचा सेल का वैल्यूएशन करना है, या आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है उसका वैल्यूएशन करना है, तीनों केसेस आ गए, परचेजेस सेल इन्वेंट्री, तीनों का वैल्यूएशन करते समय आपको उसमें टैक्स ड्यूटीज सेस या फीस ये सब अगर आपने पे की थी, ठीक है, तो उसका आपको प्रॉपर कंसिडर, उसको आपको प्रॉपरली कंसिडर करना है, उसके एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, आपने अगर खरीदते समय टैक्स चुकाया था, GST चुकाया था, बेचते समय आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, कोई भी सेस लग रहा है, कोई भी ड्यूटी लग रही है, कस्टम्स ड्यूटी, एनी ड्यूटी, इसी तरह से जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तब भी आपको जो भी टैक्सेस पे करने पड़े थे उन सब का आपको उस वैल्यूएशन में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपके पास में इन्वेंट्री है, और वो कौन सी इन्वेंट्री की बात हो रही है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज का मेरा बिजनेस होना चाहिए तो ही तो सिक्योरिटीज मेरे लिए इन्वेंट्री है, और उसमें भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो अलग तरीके से वैल्यूएशन होगा, और अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो अलग तरह से वैल्यूएशन होगा। कैसे, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो वैल्यूएशन का तरीका होगा एक्चुअल कॉस्ट पर ही वैल्यूएशन होगा, और अदरवाइज वही सिस्टम एक्चुअल कॉस्ट या NRV, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इन दोनों के केस में अलग अलग हमको वैल्यूएशन का सिस्टम बताया है।
तो फ्रेंड्स अब इस सीरीज का एक लास्ट सेक्शन है हमारे सामने, इस सीरीज का जो ICDS की वजह से अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसका जो लास्ट सेक्शन अभी हम देख रहे हैं, वो एक और नया सेक्शन डाला गया 145B। ये सेक्शन स्पेसिफिकली हमें कुछ पर्टिकुलर इनकम्स पे टैक्स कब लगेगा वो बताता है, कुछ पर्टिकुलर इनकम्स बताता है और बताएगा कि उन पे टैक्स कब लगेगा, वो इनकम किस साल की मानी जाएगी। देखते हैं, पहली ऐसी इनकम हमें बताई है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन। अगर आपको कंपनसेशन या एनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट कौन से साल की इनकम मानी जाएगी जब वो रिसीव हुई है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हो सकता है आपको ये बात पढ़कर ये ध्यान आ रहा हो कि इस तरह की बात तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है सेक्शन 145A में। तो मैं आपको अब एक बात बता देता हूँ, देखिए जरा इसकी एक कहानी आपको सुना देता हूँ मैं। एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि पहले सेक्शन 145A हुआ करता था। अब आप बोलेंगे कि अभी तो मैंने बोला सेक्शन 145A एक नया सेक्शन है तो ये पहले कैसे होता था, लेकिन रियलिटी ये है कि सेक्शन 145A पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले सेक्शन 145A में जो बातें थी वो रीशफल हो गई है। उनमें से कुछ बातें तो अभी भी रखी गई और कुछ बातें हटा दी गई और कुछ बातें थोड़ी चेंज की गई है और बनाया गया एक नया सेक्शन 145A। यानी 145A पुराना वाला अलग था, 145A नया कंप्लीटली रिन्यू होकर के आया है, इसीलिए मैंने बोला न्यू सेक्शन 145A। बाकी था तो वो पहले भी, और 145A में पुराने वाले में यही पॉइंट पहले भी लिखा हुआ था, यही पॉइंट। ये किस में लिखा हुआ था, 145A में, पुराने वाले में। वहां से हटाकर अब इसको यहां अलग से 145B में ला दिया, क्योंकि 145B में इसी तरह की कुछ सिमिलर बातें हैं तो उनको एक जगह पे इन्होंने ग्रुपिंग कर दी। कहने का मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले जो सेक्शन 145A था वो अब बिल्कुल नया बन चुका है, इसीलिए हमने पढ़ा न्यू सेक्शन 145A। और उसके अलावा एक 145B सेक्शन भी बना हुआ है जिसमें ये बात वहां से इंपोर्ट कर ली गई है, वहां से ला दी गई है। उसके अलावा दो पॉइंट्स और हम देखने वाले हैं, चेक करते हैं जरा क्या। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट 145B का। इसमें बोला गया कि कभी भी अगर आप क्लेम करते हो फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइस, जैसे आप जानते होंगे कि प्राइस एस्केलेशन के क्लॉजेस डलते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय, ये बात आपने पढ़ी हुई होगी कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक के अंदर, AS7 के अंदर, या वैसे भी आपने हो सकता है पढ़ा हुआ हो कि प्राइस एस्केलेशन के क्लॉजेस डलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। क्या होते हैं ये क्लॉजेस, कि कई बार हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे फाइनलाइज हो जाता है, लेकिन ये डर रहता है दोनों पार्टीज को कि भाई ये तो आज की प्राइस को ध्यान में रखते हुए, हमने आज की रेटों को ध्यान में रखते हुए, आज के भावों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तय की है, लेकिन कल को जो बाकी के चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल वगैरह है, अगर वो महंगा हो गया तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर महंगी हो गई चीजें तो प्राइस हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ा दी जाएगी बीच में ही। इस बात के लिए क्लॉज डाल दिया जाता है जिसको कहते हैं प्राइस एस्केलेशन का क्लॉज। इस तरह का क्लॉज हम नॉर्मली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डाल सकते हैं, और साथ में जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं उनमें भी कई बार इस तरह का क्लॉज डला हुआ होता है। अब मान लीजिए ऐसा एक क्लॉज डला हुआ था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में या एक्सपोर्ट इंसेंटिव में, और अभी मेरे को उस प्राइस एस्केलेशन के अंडर में क्लेम करना है, मैं अपनी पार्टी से कुछ एक्स्ट्रा क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो क्लेम होगा वो हमारी इनकम मानी जाएगी, दैट विल बी टैक्सेबल। लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है, दैट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स रियलाइजेशन इज अचीव्ड। कहने का मतलब है वो क्लेम आपको कब इनकम मानना है उसको, तो बोला है जब आपको वो मिलने की रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए, आपको लग जाए, रीजनेबल सर्टेनिटी आपको फील हो जाए कि हाँ यार अब तो मुझे क्लेम मिलेगा ही।
ठीक है, तो जाकर के आपको उस क्लेम को अपनी इनकम मानना है और उस साल की इनकम मानते हुए टैक्स देना है। दूसरा सॉरी तीसरा थर्ड जो इस सेक्शन के अंदर बात बोली है वो क्या, असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी असिस्टेंस मिलता है सब्सिडी के फॉर्म में, ग्रांट्स के फॉर्म में, कैश इंसेंटिव्स के फॉर्म में, ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में, वेवर, कंसेशन, रीइंबर्समेंट्स, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में बताई हुई है, आप देख रहे हैं। तो अगर इस तरह का आपको कोई भी असिस्टेंस मिलता है तो उसको आपको रिसीव्ड वाले ईयर की इनकम मानना होगा, ठीक है। तो वो असिस्टेंस जब मिलेगा तब की उसको इनकम मानते हुए टैक्स लगेगा। ये छोटी छोटी सी तीन बातें हमको बताई हुई है, ये टैक्सेबिलिटी के ईयर्स के बारे में बताया हुआ है किस साल में वो टैक्सेबल होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ICDS में इनकम टैक्स के साथ मैचिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से ये 6-7 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। तो अभी ये वाली सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है, अब बचे हुए जो अमेंडमेंट्स होंगे, जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स है और भी बहुत अमेंडमेंट्स हैं, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।